पानी कड़वा है या नहीं है? हाँ कड़वा परफेक्ट है, मतलब मेरे ऊपर टेस्टिंग कर रही हो। ये बन गया एक बार फिर से। ये तो कुछ ज्यादा ही मोहब्बत, ये नफरत का ऑमलेट लग रहा है मुझे। ये इसमें मैंने आज टमाटर वगैरह डाल के बनाया, टमाटर और साथ में अनियन और क्या है, हरी मिर्च, हरी मिर्च शिमला मिर्च है इसमें, हरी मिर्च। चलिए जी देखते हैं कैसा होगा ऑमलेट। और ये हमारी रखी हुई है ब्रेड, और अभी इनके कट रहे हैं फिलहाल खीरे जो कि हम साथ में खाने वाले हैं। ये क्या है, कोफ्ते, कोफ्ते आलू कोफ्ते। थोड़ा थोड़ा सा मुझे कड़वा भी लग रहा है यार खीरा। पहले खाते हैं चलो फिर देखते हैं। अभी हो गया है सहरी का वक्त और अभी हम कर रहे हैं सहरी। ये है हमारा सहरी में मोहब्बत का ऑमलेट जो कि बड़े प्यार से इन्होंने बनाया, साथ में कुछ ब्रेड्स होने वाले। डबल मोहब्बत का ऑमलेट क्यों है, वाई रीज़न? मैंने बहुत प्यार से बनाया था। इसके अंदर इन्होंने अनियन भी मिक्स की है, और ये क्या है, टोमेटो भी इन्होंने मिक्स की है हरी मिर्चों के साथ में, थोड़ा बहुत नमक लगा के तड़का डाल के अच्छा सा बना। ये तो खाने में पता लगेगा कैसा। अरे भाई ये कहाँ जा निकल साली। चलिए जी ये ब्रेड और साथ में खीरा, और ये क्या है, आलू कोफ्ते भी हैं, और हमारा इसमें रखा हुआ है बन जो कि हम खाएंगे चाय के साथ। चाय के साथ ना, या फिर दूध के साथ, चाय के साथ बढ़िया रहेगा, है मज़ा आ जाएगा चाय के साथ खाने में। चलो पहले देखते हैं टेस्ट तुम्हारा मोहब्बत का ऑमलेट है कैसा। ठंडा हो रहा है यार, स्टार्ट। बड़े प्यार से बना रहा मोहब्बत का ऑमलेट, ठंडा कर दिया यार। और बतौलबाजी करो, बतौलबाजी इतना नमक तेज हुआ है, इतना खतरनाक। सही है क्या, झूठ कम बोला करो। झूठ बोल, रमजान गए नहीं अभी? नहीं, मैं सोच रहा हूँ यार रमजान चलेगा, मैं चलो झूठ तो बोल ही लेंगे। इतना प्यारा बनाए मेरा ऑमलेट, ऊपर वाले माफी। अभी कुछ नहीं है, अभी खा ले। नशेड़ी लग रहे हो, बना दिए नशे चल गया, ऑमलेट चल गया ऊपर। सहरी में खाना खाने के बाद ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जो कि फैनियाँ, हमारे लिए ज़रूरी है और के लिए भाई पता नहीं किसको अच्छी लगती हो किसको नहीं। ये दूध के अंदर जो है वो डाली जाती हैं और फिर इसका मज़ा ले जाता है। मग में हमारी फ़ोटो अच्छी लग रही है ना, पहले खा लेते हैं। लो जी हमारी चाय भी हैंड टू हैंड रेडी होकर आ गई जो कि मैडम जी ने रेडी कर दी है। रंगत तो अच्छी है, पीने के बाद पता चलेगा, मगर पहले ये खा लें। आज है 27वीं शब, यानी कि 27वां रोज़ा लग चुका है, और अभी सहरी भी कर ली है, और सहरी ये मानो पूरी कम्प्लीटली मुकम्मल हो गई है, रोज़े की तैयारी हो गई है, रोज़ा हमारा स्टार्ट हो चुका है, फजर की नमाज़ भी हो चुकी है, और मैडम जी भी थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ने में बिज़ी हैं। कुरान शरीफ थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर ये नमाज़ पढ़ने वाली हैं। मैंने नमाज़ एग्जैक्टली पूरी पढ़ ली है, तो व्लॉग के अंदर एंड तक बने रहिएगा। बाकी इसके अलावा मिलेंगे हम आपको दोपहर को 1 या 2 बजे। मॉर्निंग गाइस, तकरीबन सुबह हमारी हो गई है, 12:30 बजे का वक्त है। मैं फ़्रेश हो गया हूँ, टीवी ऑन हो गया है, काम करने के लिए स्टार्ट हो गए हैं, लैपटॉप भी और ऑन करना है, और ये लाइट फोकस जो हम यहाँ साइड में रख देते हैं, ये लाइट फोकस भी अभी मिडल एंगल पर सेट करनी है, यानी कि फ्रेम पर सेट करनी है, और आज जल्दी इनको भी उठा दिया। ये भी आज काम में लगी हुई सक्सेसफुली, नमाज वगैरह पढ़ लें, फिर उसके बाद से ट्रेंडिंग पर काम भी स्टार्ट करना है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो सब हम आपसे शेयर करते रहेंगे, और हमारा टीवी का लुक कुछ ऐसे यानी कि स्टार्ट हो। असर की नमाज़ हो चुकी है, आज इतनी एक्टिविटीज़ हम कर नहीं सके क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग का काम करने में बिज़ी था, और अभी मैं उठा हूँ जस्ट, अभी नमाज़ वगैरह की है, और नमाज़ वगैरह करने के बाद आपसे थोड़ी सी मुलाकात, और अब आधा घंटा रोज़ा खुलने में बाकी रह गया है, अब हम जाएंगे पीछे घर पे। बहुत ब्राइटनेस कैसे हो रहा है यार, लाइट फोकस चल रही है ना, बहुत ब्राइटनेस लग रहा है इसलिए। तो अभी मेरा जस्ट काम ही चल रहा था, एक वीडियो मेरी और है वो और अपलोड हो रही है, फिर उसके बाद से हम निकलते हैं रोज़ा खोलने की तैयारी। आधा घंटा और हमारा बाकी रह गया है, और हमें क्या क्या करना है कि इस अकॉर्डिंगली रोज़ा मैंडेटरी सीधा जा रहा है। और एक आज हमने सोचा कि आज शाम में जो है वो कोविड टेस्ट करा ली जाए एक बार फिर से। नमाज़ पढ़ने के बाद ये कुछ काम करने बैठ गई है, यानी कि थोड़ा सा बिजी हो गई है। एक वीडियो इनके हमने हवाले कर दी थी कि भाई तुम अपलोड कर देना, अब देखो क्या करा हमने कारनामा, वीडियो अपलोड हो रहा है। अरे कौन सा हो रहा है, अच्छा ये वाला, हाँ शनाज का, चलो कर दो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लग रहे तुम आज काम करते हुए हैं।
बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब रोज अच्छी लगती है। मतलब ऐसा होता है ना सीन, ये आराम से बैठ जाती हैं वहाँ पर, देखो वहाँ पर बैठ जाती हैं, बस वहाँ से इनका काम चलता रहता है। और आज ये मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो आज थोड़ा सा चेयर पर बैठ गई, मेरे फ़ोन चार्ज पर लगे हुए थे, इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है तुम काम करो, जैसा भी होता है इतना मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो रह गया था। चलें चलने के लिए तैयारी, लाइट्स ऑफ करें, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी हैं। ये टीवी बंद कर दो यार, टीवी बंद कर देना रिमोट से। टीवी का काम हो गया है ख़त्म, अब हम करते हैं टीवी को बंद, और हमारा टीवी हो गया है बंद। चलो खड़ी हो फटाफट यार, टाइम थोड़ी है इतना, आधा घंटा रह गया बाकी, ज़्यादा नहीं है। तो वीडियो नहीं करूं? हाँ, इस कूलर में से पानी गिरा था वो मैंने ठीक कर दी समस्या, अब ये बेटर चल रहा है, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे भाई साहब ये हिलते रहते हैं थोड़े से, ये झूमर झूमर सा ऐसे प्लास्टिक का ही है, ज़्यादा कोई इतना कंफर्टेबल नहीं है, बट लगा लिया अच्छा लग रहा था। 2500 रोज़ा हमारा मुकम्मल अच्छे तरह से गुजर गया है, जो कि हमने रोज़ा खोल लिया था, खोलने के बाद नमाज़, फिर उसके बाद जो जो एक्टिविटीज़ होती है, मैं थोड़ा सा काम करने बैठ गया था क्योंकि मुझे रोज़ा खोलते थोड़ा बहुत आराम चाहिए होता है, उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं थोड़ा आराम करने बैठ गया था। फिर पिछले एक घंटे से थोड़ा सा यहाँ पर काम कर रहा था, और मैडम जी ने लगा दिया है खाना, और खाने में क्या है हमारी, क्या है खाना, आलू की तायरी, जो कि दिल्ली भाषा में बोलते हैं, बाहर की भाषा में मुझे पता नहीं क्या, पुलाव शुलाव ये सब चीज़ें बोलते हैं। बस ईद की शॉपिंग को लेकर के एक बड़ा डिस्कशन अभी किया जाना है। कल गई हैं इनकी चीज़ें, देखो कितनी सारी चीज़ें, मतलब चीज़ें ज़रूरी है तुम्हारे लिए हैं। चलो निकालो ना, दिखा दो तो शक्ल कैसी है, क्या बात है, टेस्टी लग रही है खाने में, है मज़ा आ जाएगा खाने के बाद ही, पता लगेगा देखेंगे भाई। अरे तुमने वो तो लिया नहीं स्पून, लेके आओ जल्दी यार, लेके आओ ना, क्यों बहस करते हो, लेके आ जाओ, थका हुआ मैं, काम कर रहा था कब से, मैं तो वहां पे लेटी खाएंगे अब देखेंगे। चल चुप रहो दादा फालतू, मैं निकालो तो निकाल, चलो जल्दी से निकालो फटाफट, टाइम ना लगाया करो। चटनी वटनी है कुछ? ओह क्या बात, चटनी भी मसाला भी सब रेडी है। निकल गई हमारी गर्मा गर्म आलू की तायरी, शक्ल से तो अच्छी लग रही है, खाने के बाद पता लगेगा, चलो जल्दी से टेस्ट करते हैं फिर पता लगेगा, देखते हैं कैसी है। ये लेकर आ गए स्पून, काम जो करती हो ना वो आधे अधूरे गरम काम करती हो, ऐसे ही होता है। फिलहाल मुझे लग रही है बहुत देर से भूख, मैं सच बताऊं तो मुझे 11 बजे से भूख लग रही है और 12 बज चुके हैं। जस्ट बनाकर गरम गरम ही लेकर आई हूँ, उतावले। अरे आलू भी आ गया गरम गरम, टेस्ट में बेटर है अभी तक तो, फिलहाल अभी तक क्या, आखिरी तक टेस्ट में बेटर ही रहेगी। पूरी खाने का पता लगे ना, मैं ना जल्दी जल्दी में गरम गरम खा गया। चलो मैं भी खा लूँ, मुझे भूख लग रही है, बिल्कुल खाइए। तो जी हमारा रात का डिनर वगैरह बहुत अच्छे से हो गया है, अब हमें सहरी की तैयारी करनी होगी, मगर वो आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। जो जो भी है सारी एक्टिविटीज़ थी वो सब शेयर कर दी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा सूट नहीं बना? चल कोई दिक्कत तो, दिक्कत वाली बात थोड़ी है, मेरा बन गया देख लो, मैं बहुत पहले ले आया था मैं अपना सूट, तो सीन ये हुआ था मैं अपना सूट जो है ना बहुत पहले ही ले आया था, और अभी उसकी थोड़ी स्लीपर आनी बाकी है, स्लीपर आनी बाकी है बस, और कुछ भी नहीं है बाकी, सब सामान। क्यों? अरे जब भाई नया सूट पहनूँ तो स्लीपर नहीं पहनूँ? हम तो पहनेंगे, हम नया सूट पहनेंगे अपना, कुर्ता पजामा रेड वाला, कुर्ता पजामा रेड वाला है दरअसल, वो मैंने आपको किसी एक ना एक व्लॉग में दिखा ही दिया होगा, और उसके साथ साथ एक मैचिंग की स्लीपर भी, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और साथ में जितने भी सारे उसके बटन्स थे लगाने के वो तो मैं ले ही आया था, है ना। तो तुम्हारा तो कुछ काम है नहीं पहनने का, है बताना ज़रा, है तुम्हारा कुछ काम पहनने का? नहीं ना, तो इनका तो कुछ काम है नहीं पहनने का, तो इस वजह से मैंने सोचा भाई चलो मैं ही पहन लूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, और वैसे भी हमें फूफी के घर जाना ना ईद वाले दिन, खास ईद वाले दिन हमें जाना है फूफी के घर, हमने डिसाइड यही किया था कि हम सब मिलकर वहीं पर जाने वाले हैं और वहीं की ईद जो है वो फ़िलहाल करने वाले हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा टेंशन ये है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी कि जितनी भी सारी गाइडलाइंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब आप ऐसे जो नॉर्मली वाला पहले लॉकडाउन था जिसमें आप इजीली कहीं भी घूम फिर लो, अगर आपको काम से जाना तो जा सकते हैं, मगर अभी फ़िलहाल ईद के बाद एक नई रिस्ट्रिक्शन निकलेगी, अब देखते हैं कि वो क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी रमज़ान की वजह से इतना भी पुलिस ने सख्ती नहीं पेश की, और अब जो है वो सख्तियाँ हमें ख़ास तौर से देखने को मिलने वाली है, तो अब देखो बेसिकली आगे होगा क्या। तो कहीं जाने वाली क्या बात है, जाएंगे नहीं कहीं, फूफी के घर तो जाना है कम से कम, वहां जाने के लिए पहनेंगे ना। अरे तो उनके घर बेचारे को दुख लगेगा। अबे तो यार एक बात बताओ फिर भी, अब जब एक सूट सिलवा लिया तो उसको पहन लेंगे ना, क्या ना पहने उसको? मेरे पास कुर्ता पजामा कोई भी नहीं, एक ब्लैक वाला था वो छोटा हो गया, छोटा नहीं मैं बड़ा हो गया,
मतलब वो थोड़ा सा मेरी फिटिंग में सिला हुआ, तो थोड़ा सा मैं हेल्थ में ठीक हो गया पिछले साल से, तो इस वजह से वो आ नहीं रहा था, मैंने उसको रिटायर कर दिया। तो कोई और वैसे भी मैं इतना पहनता नहीं कुर्ता, मेरे पास सारे जितने भी कुर्ते थे वो सब मैंने एक्सपायर कर दिए, मैं पहनता ही नहीं, तो यार फ़ायदा क्या फिर, मैं ये टी शर्ट से पहनता हूँ या फिर ये शॉर्ट्स हो गए, लोअर्स हो गए, वो ये सब चीज़ें पहनने का शौक है मुझे, और इसके अलावा मैं कुर्ते वगैरह पहनता नहीं हूँ। क्यों जी? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन इस पे क्या करोगे फिर, कपड़े पहन क्या करोगे? मतलब तुम्हारे पास सूट अगर नहीं है तो मुझसे कह रही है कि भाई ईद पे मैं क्या करूँगा पहन के, क्या करूँगा, क्या करते हैं पहन के? पहन के कुछ नहीं करते, बस कुछ नहीं करना, पहनना है। हम तो पहनेंगे, चलिए जी, बेसिकली अभी ईद पे पहनेंगे, और अभी कुछ आगे थोड़े से एक दो प्लान हैं जिसके लिए हम पहले से पहले प्रिपेयर चाह रहा हूँ कि मैं पहले से प्रिपेयर हो जाऊँ, और वो आपको बताऊँगा मैं आने वाले टाइम में। फिलहाल जी ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, बाकी अगली एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलने वाली है। अब हमारी सहरी की तैयारी जो है वो स्टार्ट होने जा रही है कुछ टाइम के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ब्लॉग को मैं एडिट वगैरह करके आपसे शेयर भी करना है, मॉर्निंग 8 बजे का शेड्यूल जो आता है, और थोड़ा बहुत मैं ट्रेंडिंग पर देखूँ अगर काम है ठीक है, नहीं तो फिर भाई क्या करेंगे, सहरी वगैरह खाने के बाद सोएंगे, अगले व्लॉग बनाने की तैयारी करेंगे। इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, घर पे रहिए, एंजॉय करिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग नाउ, टेक केयर गाइज़।